गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज अपन हिंदी आपके 3 चैप्टर हो गए थे, अब अपन आज क्या पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत की बुक लिखी है, ये आपको क्या लिखा हुआ है, देववाणी संस्कृत, ये आपको आपकी बुक रहेगी। इस बुक के अंदर जो फर्स्ट पेपर है वो भी देववाणी संस्कृत लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है ये दिया हुआ आपके वंदना। इसका अपन फर्स्ट 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन अपन दो ये जो श्लोक है ओपन अगला कल पढ़ेंगे, आज अपन एक ही पढ़ेंगे। तो आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट है वंदना है, और इसके साथ ही आपको इसके शब्दार्थ करने आए। तो इसके अंदर से आप लिखेंगे 16 जुलाई बुधवार शुक्रवार, पार्ट 1 वंदना, शब्दार्थ और शब्दार्थ 9 से लिखेंगे, क्रमबद्ध हर शब्दार्थ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पाव का, पाव का आप क्या लिखेंगे, पवित्र करने वाले। जैसे हम लिखेंगे पाव का लिखने लाइन, फिर लिखेंगे पवित्र करने वाली। तो आपको जितने भी शब्दार्थ है वो आपको एक लाइन में पवित्र करने, यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पे जो लिखेगा ना वो गलत हो जाएगा। तो एक ही लाइन में लिखना है, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में सबसे अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखना है। अक्षरों की बनावट सुंदर होनी चाहिए, एक वर्ण दूसरे वर्ण से चिपकना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वंदना, बीच में लाइन है, यहाँ पर भी गैप है, हर वर्ड के बाद क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। खुले खुले अक्षरों में आपको लिखना है, एक दूसरे से चिपकाना नहीं है। अब अपन इसका जो फर्स्ट श्लोक है वो अपन पढ़ेंगे। तो अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वंदना, वंदना दिया हुआ है, प्रेयर दिया हुआ है, वंदना अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है पाव का, पाव का न सरस्वती वाजे भ्यव अर्जनीवती। तो यहाँ पे पाव का मतलब होता है पवित्र करने वाली सरस्वती। तो हे सरस्वती, हमारी जो वाणी है, हमारी जो वाणी, हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो स्वर है, उसे आप क्या करते हैं, पवित्र बनाएं। हम जो भी बोलें वो कैसा बोलें, पवित्र बोलें, सत्य बोलें, अच्छा बोलें। हमारी वाणी के अंदर हमेशा अच्छाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। वाजिभ्य विजिनवती, तो वाजिभ्य का अर्थ होता है धन अन्न, और अर्जिवती का होता है बल। हमें धन और बल से युक्त हों, हम क्या हों, धन और बल से युक्त हों। यहाँ पर उल्टा पढ़ेंगे धिया वसु, बुद्धि से हम यानी विद्या से हम ज्ञान को प्राप्त करके यज्ञ वस्तुम यज्ञ आदि को पूर्ण करने में समर्थ हो सकें। तो हे सरस्वती माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी जो वाणी है, हमारी वाणी में पवित्रता हो, सत्यता हो, और हम हमेशा क्या करें, हमारी वाणी में पवित्रता हो, सत्यता हो, हम जो भी बोलें वो अच्छा बोलें, और सभी के कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग करें। सब हम ऐसी पवित्रता युक्त वाणी बोलें जिससे सभी का कल्याण हो। वाजे भी अर्जनीवती यानी कि हमारे पास हमारे अन्न और बल, वाजिबी का होता है अन्न, अर्जवती का मतलब होता है बल। तो अन्न और बल से हम हमेशा क्या रहें, सक्षम रहें, हम हमेशा युक्त रहें, कि हमारे पास अन्न भी हो और हमारे पास बल भी हो। अन्न और बल दोनों से हम क्या रहें, समर्थ रहें, युक्त रहें। और हम हे सरस्वती माता, हम विद्या से या ज्ञान से हम धन को प्राप्त करें, और उस धन से हम यज्ञ करें और यज्ञ को पूर्ण करें, यज्ञ को पूर्ण करने की कामना रखते हैं कि आप हमें जो विद्या प्राप्त प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती है, उससे हम धन, उसी के माध्यम से हम धन को प्राप्त करें, और उस धन से हम यज्ञ आदि कर हमारे धन संपन्न होकर यज्ञ को पूर्ण करें या पूर्ण करने की कामना करते हैं। तो दोनों का अर्थ ये होगा कि बच्चे सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती माता, आप हमारी वाणी में निवास करें, हमारी वाणी को पवित्र करें, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सबके कल्याणकारी हो, और हमें अन्न और बल से युक्त करें, और आपके द्वारा प्रदान की गई विद्या से हम धन प्राप्त करें, धन संपन्न बने, और धन संपन्न बनने के बाद हम यज्ञ करें, और यज्ञ करके जो यज्ञ की पूर्ति, यज्ञ के पूर्ण होने की हम कामना करते हैं कि हम कोई भी यज्ञ करें, कोई भी कार्य करें, कोई भी अपन प्रयास करें, हम उसमें सफल हो जाएं। तो यज्ञ पूर्ण करने की हम कामना करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है कि हे ईश्वर या हे सरस्वती माता, हमारी वाणी सबको पवित्र करने वाली बने,
अन और बल से युक्त हो। हमें अपनी बुद्धि से धन संपन्न होकर यज्ञ को पूर्ण करने की कामना करें। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? दूसरों को दुख पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, सबके कल्याणकारी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अब अपन इसके अंतर्गत ये यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क के अंदर शब्दार्थ करना। देखो पाव का अर्थ क्या होता है? पवित्र करने वाली। वाजिब्य अन्नों से बलों से, धिया यानी बुद्धि, वसु यानी धन, वस्तु यानी कामना करें, ईश्वर से मतलब ईश्वर से आच्छादित, भुंजिया यानी भोग, कश्यविद यानी किसी का, और यहाँ लिखा हुआ है माँ गृद लोभ मत करो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने शब्दार्थ हैं? 9 शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं। अगला जो श्लोक है अपन अगली बार पढ़ेंगे।